जवान बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में, आरटीआई के बारे में जानते हैं? ये वाला ग्रुप है जिसने आरटीआई के लिए आंदोलन किया राजस्थान में, और कैसे आरटीआई कानून पास हुआ तो वो ग्रुप यहाँ आया हुआ है आरटीआई को बचाने के लिए। तो सरकार वो ग्रुप भी है, अलग अलग राज्यों से लोग हैं, उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, यहाँ लोग आए हुए हैं आरटीआई बचाने के लिए। ये सरकार तैयारी कर रही है कि आरटीआई कानून को कैसे हम कमजोर करें। तो एक छोटा सा नाटक हम दिखाएंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अरे मार दो टल्लो जैसा भी मिला, जो भी मिला, ये खजाना अपना है, ये खजाना अपना है, मिलकर इसको बांटेंगे और सुख से जीवन काटेंगे। अरे भैया इसको बांटो मत, इसको मुसीबत के समय रखो, काम आएगा कभी मुसीबत होगी तो। अरे पर रखवाली कौन करेगा? रखवाली कौन करेगा? हम करेंगे सब, हम करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। अरे वाह, कौन करेगा रखवाली? हम सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे ना, हम करेंगे, सब करेंगे। तुम करोगे? हाँ, तुम पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े लिखा तो नहीं, पढ़ा लिखा नहीं तो फिर क्या खजाने की रखवाली करेगा? चलो मैं करूंगा रखवाली। तुम रखवाली करोगे? रखवाली की है कभी? स्कूल गया, स्कूल गया, कॉलेज गया कभी? बड़ी ऊंची पढ़ाई की है? नहीं की। तो फिर क्या रखवाली करेगा? चल मैं गया हूँ कॉलेज। कॉलेज गए? हाँ। पर कभी खजाना देखा है? हीरे पन्ने वो नहीं देखा। फिर क्या रखवाली करेगा? चल मैंने देखा, खजाना देखा है, पढ़ाई भी की है और ऊंची पढ़ाई भी की है। ऊंची पढ़ाई भी की है, खजाना भी देखा है। हाँ। लेकिन कभी चोर आ गए तो क्या करेगा? चोर आ गए तो भाग जाऊंगा। तो भाग जा फिर। अरे 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 भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो यार, भाई भाई, अरे भागो, इधर आओ, बैठ बैठ। देखो बड़ी मुश्किल से खजाना मिला है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। मेरा एक सुझाव है, अपने में से किसी एक को जिम्मेदार बना लेते हैं खजाना से। एक को, एक को। अरे और एक जिम्मेदार तो पहले एक राजा था, पूरा देश को खा गया। अरे कौन से जमाने की बात कर रहा है? राजा नहीं है, लोकतंत्र है। ये सब जो वोट देते हैं ना, ये सब राजा है। राजा और प्रजा में फर्क नहीं है। राजा सो प्रजा, प्रजा सो राजा, राजा सो प्रजा, प्रजा सो राजा। लेकिन चुनेंगे कैसे? चुनेंगे कैसे? अरे वो चुन लेंगे, उसकी चिंता मत करो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 ऊपर वो भैया आप लास्ट बार है, हर बार चुनाव में खर्चा बहुत होता है भैया, देख लेना लास्ट है। हाँ जान से, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 ऊपर, बार बार यही आता है। आप लोगों ने मेरे को चुन लिया है और मैं इस खजाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये जो खजाना है मेरी जिम्मेदारी, खजाने की आप लोग जाओ मस्त रहो, ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी। कभी स्कूल गया? स्कूल गया कभी? अरे कभी कॉलेज गया, ऊंची पढ़ाई की क्या? अरे कभी हीरे पन्ने देखे क्या? अरे कभी चोर को पकड़ा क्या? अरे तुम्हारा मतलब है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? हाँ। मैंने खजाना नहीं देखा? हाँ। चोर आ जाएंगे तो क्या करूंगा? हाँ। मेरे में ये समझ रही है? हाँ। तो एक समझदार बनाओ ना। हाँ। मेरे को क्यों हटाते हो भैया? कैसे कैसे? जिम्मेदार जिम्मेदार, वो कैसे?
कॉम्पिटिशन में जो आएगा वो जानकार जानकार मैं हूँ जिम्मेदार वो बनेगा जानकार कॉम्पिटिशन चलो तो आ जाओ कौन कौन आ रहे चलो आंख पर बांधूंगा पट्टी और आठ तक बोलूंगा गिनती और जो खजाने के पास पहुंच जाएगा वो खजाने का जानकार भाई जानकार होगा तभी तो पहुंचेगा आठ तक बोलूंगा गिनती ऊपर निकल चीटिंग नहीं होनी चाहिए फेयर कंपटीशन है ये उधर रे तू उधर रे किसी को किसी को क्वेश्चन पेपर मत दिखा देना पहले अरे तुम फालतू की बात मत करो बाहर से बड़ा कंपटीशन है रेडी गो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ मिल गया खजाने के पास पहुंच गया ये है जानकार मैं हूँ जिम्मेदार अब तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी हम खजाने की अब खजाना अपना तू उधर ध्यान रख तू उधर ध्यान रख हाँ इधर ये बहुत शैतान लोग हैं राजधानी है ये इधर से मैं नहीं आने दूंगा तू उधर से मत आने देना खजाने की पूरी ध्यान रखना चोर अरे चोर तू ये क्या कर रहा तू क्या कर रहा क्या कर रहा था तू ऐसे पीछे पीछे क्यों आ रहा है तू क्या कर रहा था यहाँ पे अरे यार ये अपने बस की बात नहीं पढ़े लिखे लोग खजाने की रखवाली हम थोड़ी कर सकते हैं तू चौकीदारी नहीं कर सकता नहीं कर सकता चौकीदारी में तो मैं करूंगा क्या नहीं आप भी चौकीदार जैसे नहीं लगते हो अरे एक यहाँ से लाओ ना यार चौकीदार एक ढूंढते हैं शरीर का मोटा अक्ल का छोटा या तो भरे पड़े अरे बहुत है खूब आए हुए चालाक चारा नहीं होना चाहिए ना ये भाई साहब चलेंगे क्या नहीं नहीं ये अरे हाँ नहीं ये नहीं ये ये अरे पहले से सूख रहा यार थोड़ा ये भैया एक मिनट ये ठीक है यार ये ठीक है अरे अरे सही ये भैया ये डंडा किसको मारना है अरे हाँ ये बिल्कुल सही है मारना नहीं है यहाँ है खजाना ये इस खजाने के पास में कोई नहीं आना चाहिए अरे हमको नहीं हमने तो तुमको रखा है अच्छा जनता जनता को हटाओ जनता को यार इसके तो भाषा में दिमाग काम नहीं कर रहा है अरे इधर से पब्लिक हाँ जनता को हटाओ पब्लिक की निगरानी रख कैमरे हमरे तोड़ दूंगा ज्यादा तीन पाँच बड़ा मीडिया वाला बन रहा है उधर 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 देखना यार तेरे को क्या दिया अरे ये अरे नेता जी और ये अरे 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 वाह भारत माता मुझे कुछ नहीं आता अरे चाई चाई अरे ये ब्यूरोक्रेट वाह अरे तुम उधर देखना अरे इसके भी है इसके अरे वाह अरे ये बिल्कुल पुलिस का अफसर हो गया ये तो मैं जिम्मेदार ये जानकार और ये चौकीदार खबरदार अरे जिम्मेदार जानकार चौकीदार खबरदार जिम्मेदार जानकार चौकीदार खबरदार भाग गए सब दावेदार पहन के फूलों वाले हार भाग गए सब दावेदार पहन के फूलों वाले हार जो बनाते हैं सरकार कोई न पाए उनका पार जो बनाते हैं सरकार कोई न पाए उनका पार तीनों मिलकर करे विचार हालत अपनी देखो यार तीनों मिलकर करे विचार हालत अपनी देखो यार खजाने को खाली कर दे यही है जीवन का सार खजाने को खाली कर दे यही है जीवन का सार जीतेंगे हम बार बार जनता हारे हर बार जीतेंगे हम बार बार जनता हारे हर बार पहन के मोटे मोटे हार जनता पर करेंगे वार पहन के मोटे मोटे हार जनता पर करेंगे वार देश के
हम जिम्मेदार जानकार चौकीदार, देश के हम जिम्मेदार जानकार चौकीदार चौकीदार खबरदार। अब मैं लूंगा मोटर कार, बंगले होंगे चार चार, अब मैं लूंगा मोटर कार, बंगले होंगे चार चार, भेदी कोई गुस्ता पाए चारों ओर लगेंगे तार, भेदी कोई गुस्ता पाए चारों ओर लगेंगे तार, सत्ता आई अपने हाथ खूब निभेगा अपना साथ, सत्ता आई अपने हाथ खूब निभेगा अपना साथ, जो भी हमको आँख दिखाए मारा उनको घुसा लात, जो भी हमको आँख दिखाए मारा उनको घुसा लात। चौकीदार खबरदार। हेलो हेलो नेताजी से बोलो। हेलो अरे सर, क्या हुआ? आपके आपके क्षेत्र से लोग आए हैं, आपकी भी तरफ मंत्री जी आ रहे हैं। अरे यार बहुत आ रहे हैं हम हमारे। क्या हुआ भाई? नेताजी से बोलो, नेताजी को बुलाओ, नेताजी करो यार जल्दी, यहाँ पता रहती है। हेलो नेताजी, जाने दो ना। क्या हुआ? अरे शांति रखो। अरे क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है? हां जल्दी बुलाओ। आपके क्षेत्र से लोग आए हैं? मेरे क्षेत्र से लोग आए? हां। अरे मैं तो गया ही नहीं, पांच साल हो गए, इसलिए तो वो यहाँ आ गए। अच्छा मैं आते हैं, चलो रोको उनको, छोड़ो। कौन लेके आया तुमको? खुद आए। खुद आए आप लोग? खुद आए हो? क्या हुआ? अरे गांव में मुसीबत पड़ी हुई है। क्या मुसीबत? अरे पानी नहीं है पीने को। अरे पानी नहीं है तो तुमने बताया नहीं क्या? बिस्तर बिस्तर पैक करवा दिया नेताजी ने। पानी राशन नहीं है खाने को तो काय को खाता? राशन आटा नहीं खा सकते क्या तुम? नेताजी स्कूल नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए। अरे तो स्कूल में जाते काय को तुम? पढ़ाई नहीं होती, ट्यूशन कराओ ना। अरे तो व्यवस्था कर रखी है, रहने के लिए घर नहीं है। अरे तो बाहर सो ना, आसमान देखो आराम से। अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है तो मेडिकल स्टोर पर जाए ना वहाँ। अरे रोजगार नहीं है युवा को, रोजगार तो जरूरत क्या है रोजगार की? सब ऑनलाइन हो रहा है तो। अरे साहब ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से लाए? अरे कौन है प्रॉब्लम पैसे की है? और बात कुछ अलग कर रहे हो आप। ऐसा करो एक काम तुम करो ना पैसे लाने का। हम कर रहे हैं एक काम, तुम नहीं कर रहे, बाकी हम कर रहे हैं। अरे वो खजाना, खजाना खजाना देखना, खजाना खजाना। एक मिनट एक एक मिनट, आपने कहा था ये खजाना मुसीबत में काम आएगा। मुसीबत में हमारे मुसीबत में हमारे खजाना हमारी मुसीबत में काम आया। हमारी तो काम नहीं आया, खजाना देखेंगे, देखेंगे हम खजाना देखेंगे। कहाँ आया काम वो? इनको ऊपर ऊपर से दिखा दो, ऊपर ठीक। चलो बैठ देखो, चलो देखो खजाना देखने आ गया। ये लखन दिया है संसद में घुसने का, ये ABC योजना 5,65,742 रुपए पकड़ना ठीक से। खजाने को बुढ़ा मत, ऐसे खाली हो गया है। STV योजना 20,46,952 रुपए। जल्दी बोलो। XYZ योजना 1,66,742 रुपए 95 पैसे। लो अरे बाप रे, इतना पैसा गया कहाँ? इतना पैसा कहाँ गया? हम खजाना देखना चाहते हैं। अरे अभी दिखाया ना तुमको? नहीं हमें प्रॉपरली दिखाओ, पूरी तरीके से दिखाओ, हमें बिल वाउचर सब देखने, सब देखना है। अरे क्या कर रहे हो? बताइए हमको। नौकरी का सवाल थोड़ा पीछे किसको? हमेशा पुलिस को आगे। 2 मिनट लगेंगे, अभी 2 मिनट लगेंगे, अंदर कर दूंगा। इनको नियम ऐसे दिखा नहीं सकते, खजाना नियम कानून कायदे के हिसाब से बता दो बस। चलो बैठो 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 भैया। ये खजाना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 5 के तहत गोपनीय, दैट्स ऑल। हमारा खजाना गोपनीय है, रखवाली ना की थी तेरा चिड़िया चुग गई खेत, रखवाली ना की थी तेरा चिड़िया चुग गई खेत। अरे आई थी जो चिड़िया बनकर गिद्ध बनी है भारी, गिद्ध बनी है भारी, देखो गिद्ध बनी है भारी। अरे भारी भारी टोपे निकली जाने दुनिया सारी, जाने दुनिया सारी, जाने दुनिया सारी।
सारे खाया हलवा हवाला का तेल पिया सरसों का हमने तेल पिया सरसों का तेल पिया सरसों का अरे रखवाली को भार लगाई वही खेत को खाई हाँ वही खेत को खाई वही खेत को खाई अरे आलू खाकर प्याज खा गई बहुत किया घोटाला इसने बहुत किया घोटाला इसने बहुत किया घोटाला जैसे व्यापम का घोटाला जैसे टू जी का घोटाला जैसे का घोटाला जैसे पेंशन का घोटाला जैसे नोटबंदी का घोटाला देखा जिसको जिम्मेदारी दी वही खजाने को खा गया रेलवे का घोटाला हवाई जहाज का घोटाला पानी के जहाज का घोटाला केवल जिम्मेदारी देने से काम नहीं चलेगा हमें इनकी रखवाली करनी पड़ेगी पाँच साल में एक बार वोट देखे आप भूल नहीं सकते हैं निगरानी करनी होगी पाँच साल सरकार को सारे कागज खोलने पड़ेंगे और सारे काम को खुलेपन से करना पड़ेगा चिंता नहीं है तेरा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है हमको रोक रहा है वो नारा क्यों लगा रहे क्या हो रहा है आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हो लोग परेशान है अरे आप कुछ के वादा करते तो आप और हमें पता नहीं चलता कुछ मैं चुनाव लड़ता हूँ मैं वोट लेता हूँ मेरे को वादा करना पड़ेगा आप वादा करते तो हमें हमें पर सुरक्षा का भी तो ध्यान रखो ऐसे ही भीड़ बढ़ा देते हो लोगों को हमें मुश्किल होती है हमारी तनख्वाह का पता नहीं रहा आप उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हो अरे तो कह दिया तो क्या हो गया बढ़ा दी क्या फिर क्या अरे चुनावी वादे कुछ तो करना पड़ेगा ना और उसको पूरा कैसे करेंगे पूरा कैसे करेंगे पूरे नहीं करने अब मैं कहूंगा ना पब्लिक के बीच में जाके तुम बीच में तुम ध्यान नहीं रखते हो ये सब जी आप बात बताओ क्या करें अभी क्या करें आप वादे करो और हम नहीं पाएंगे ये है ना आइडिया ये देखो जानकर गए अच्छा आप वादे करके आ जाओ और हम उनको निभाएंगे मैंने कह दिया सूचना करके अधिकार दूंगा तुम दो ही मत ये हमें बताओ सरकार क्या करती है तुमको क्या मतलब है हमें खुलापन चाहिए हम छुपाएंगे हमें जवाब नहीं चाहिए नहीं मिलेगी हमें सूचना का अधिकार चाहिए कानून बना दिया सूचना नहीं मिलती है उसकी कोई गारंटी नहीं है ये पिछले 60 साल से 70 साल से जब से आजादी हुई तब से ये रस्साकस्सी चल रही है एक तरफ तो जनता है देश की और एक तरफ कौन है नेता है और अफसर और पुलिस ये जो व्यवस्था संभालने वाले हैं ये एक तरफ और एक तरफ जनता नाटक है लेकिन नाटक नहीं है आप किस तरफ हैं आप बताएं जनता के बीच में किस तरफ हैं कितने लोग जनता के साथ हैं हाथ खड़े करें और कोई नहीं क्या लोग ये व्यवस्था की तरफ है फिर भी ये भारी पड़ रहे हैं ये तीन लोग भारी पड़ रहे हैं पूरी जनता के ऊपर तो इसीलिए एक आंदोलन चला पूरे देश में सूचना के अधिकार का कि हर नागरिक पूछ तो सके कि क्या हो रहा है हमारे नाम पे हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं क्या कर रहे हो उसके साथ ये पूछने के लिए आज से लगभग 20 साल पहले आंदोलन चला गरीब लोगों ने चला जगह जगह लोगों ने उठाया बिल्कुल बदलाव क्या हो रहा है संसद में अभी संसद में ये क्या कर रहे हैं कि ये सूचना मांगते हैं तो अधिकारी से मांगते हैं अब वो अधिकारी देना नहीं चाहता है तो अपील में जाना पड़ता है वो भी अधिकारी के पास उसके बाद जाना पड़ता है एक स्वतंत्र आयोग के पास कमीशन वो ही कमीशन हम लोगों को सूचना दिलाती है ये इन्होंने क्या तय किया कानून में लिखा है कि आयोग स्वतंत्र होगा उसकी तनख्वाह इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होगा ताकि वो किसी से दबे नहीं अभी संसद में क्या डाला है उन्होंने संशोधन कि तनख्वाह केंद्रीय सरकार तय करेगी कमीशन जो दिल्ली में बैठती है और हर राज्य की कमीशन की तो वो उसके नौकर बनेंगे या नहीं बनेंगे और कितने साल रहेंगे
और क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो करने के लिए। तो हमने आयोग बनाया था कि हमें सूचना मिल सके, अब वो सूचना आयोग भी उनके नीचे दब जाए तो फिर किसी को मिलेगी क्या? जो सूचनाएं मांग रहे हैं वो मिलेगी क्या? हम जन आंदोलन के लोग हैं, हम आपको कहने आए हैं ये जनता का आंदोलन है। ये कानून जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और लोकतंत्र में तो हमारा अधिकार है कि हम सवाल पूछे। सवाल नहीं पूछेंगे तो ना तो पैसे का हिसाब मिलेगा, ना किसी कानून का हिसाब मिलेगा। तो सरकार नहीं चाहती कि हम सवाल पूछे, और इसीलिए इस कानून को बेकार करने में लगी है सरकार। और सरकारें कहती हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे जरूरी तरीका है ये, इससे हम हर एक नागरिक को हम सशक्त करता है हमें कि हम देख सकें कि रिकॉर्ड में क्या लिखा है। अगर सरकार कहती है सड़क बन रही है और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, तो हम अगर रिकॉर्ड देखें और उसमें लिखा है करोड़ों खर्च और सड़क बनी नहीं, तो हम भ्रष्टाचार का उजागर कर सकते हैं। सरकारें नहीं चाहती कि हम सवाल पूछे, सरकार नहीं चाहती कि हमें सूचना मिले, इसीलिए सरकार कह रही है कि अगर आपको सूचना नहीं मिलती, हम नहीं देना चाहते, तो आयोग में आप जाते हो, हम आयोग ही बंद कर देंगे। अभी केंद्रीय सूचना आयोग में 11 में से 8 पद खाली हैं, तो अगर कोई आयोग ही नहीं होगा, आयुक्त ही नहीं होंगे, तो कौन सूचना दिलवाएगा? तो सरकार बेकार कर रही है कानून को, राज्यों में भी यही कर रहे हैं, केंद्र में भी ये सरकार कर रही है। और सरकार कोशिश कर रही है कि इस जो आयोग है उसको अपने कब्जे में करे, उसमें दबाव डाले जिससे वो हमें सूचना ना दिलवा सके। तो इसको हमें, इसका हमें विरोध करना होगा। और सिग्नेचर कैंपेन भी यहाँ पे चल रहा है, आप अपना नाम लिखिए यदि आप नहीं चाहते कि इस कानून में संशोधन हो। तो देश में कितने लोग ऐसे हैं जो सूचना मांगते हुए उनका मर्डर हो गया? करीब 80 लोगों का की हत्या हुई है, और हर रोज अटैक होते हैं, उनपे प्रहार होता है, लेकिन 80 लोगों के करीब हत्या कर दी गई। बिहार के गाँव की बात बताए तो वहाँ जो राशन पेंशन किराशन और सड़क का काम हो रहा है, गांव के लोगों ने शहरों के लोगों ने कई बार ये पूछा है कि आप इसका बिल वाउचर दिखाओ, इसका एस्टिमेट दिखाओ, ये सड़क बन रही है कौन ठेका ले रहा है, ये सब तमाम कागजात उन्होंने मांगे हैं। तो अभी हाल में 3 लोगों की हत्या कर दी गई क्योंकि गांव के सड़क की वो सूचना मांग रहे थे और उन्हें पता चल गया कि सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार कौन कर रहा था? वहीं के जो अफसर हैं और नेता मिलके जो ठेकेदार से मिले होते हैं वो कर रहे थे। दोनों ने सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल करते हुए सारी सूचना निकाल ली और जनता के बीच में गए, और जनता को भी मालूम चल गया कि हाँ इस सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है। इस चीज़ को दबाने के लिए धर्मेंद्र यादव थे जमुई में और राजेंद्र सिंह थे चंपारण में, दोनों की हत्या कर दी गई। ये 6 महीने पहले की बात है। बाहर के लोगों को लोग नहीं कर सकते, आप समझे तो सही इस कानून के बारे में। तो समझे आप कहीं के बाहर, कोई इंग्लैंड के नहीं हो, कोई अलग से देश के नहीं हो, होंगे तो भारत के ही ना। और ये कानून है हम सबके लिए, पूरे भारत में है, पूरे देश जो भारत में जितने भी लोग हैं उन देशवासियों के सबके लिए है। भ्रष्टाचार मुक्ति इसी चीज़ से हो सकता है, बाकी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आता कि जो कोई कितने भी मंत्री आ जाए, कितने ही कमिश्नर आ जाए, कितने ही कुछ बन जाए, लेकिन फिर भी इस भारत में कभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। सिर्फ एक ये हथियार है सूचना का अधिकार कानून, अगर ये रहेगा तो लगता है कि भारत में भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारी की चोरी पकड़ने में आता है, ये सब कुछ आता है।